मांझी जी ने क्या कहा और क्या उनकी सोच है? हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। वही कह पार्टनर का मतलब नहीं होता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो क्या बोलेंगे, उसका जवाब मैं देना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। लेकिन आपके भगवान पर तो सवाल खड़ा होगा। तो मैं तो बोला ना, मेरी पार्टी और मैं और मेरा परिवार, मेरे समाज, ये 12 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इसमें सभी धर्म के लोग, 135 करोड़ में सभी धर्म के लोग हैं, तो सबका सोच अलग है, नजरिया अलग है, तरीका अलग है, जिनको जो मन में आए बोले, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत को जोड़ने को लेकर के सियासी महाभारत लगातार जारी है। आपको बता दें कि जीताराम मांझी ने प्रभु श्री राम को आराध्य मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस रूप में लोग उनको पूजते हैं, मैं उस रूप में राम को नहीं देखता। इसको लेकर के जब हमने बिहार सरकार के मंत्री रामसुब्रत राय से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उनका अपना सोच है, यह जरूरी नहीं कि गठबंधन में हों तो दोनों का सोच मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, सभी जगह राम हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिस प्रकार से जीताराम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया था कि रामायण में अशुद्धियाँ हैं जिसको लेकर के इसे पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि जीताराम मांझी जब रामायण शुद्ध उनको लगे तो एक बार जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में जोड़ने के विषय को लेकर के जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या बिहार में रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पर काम जरूर होगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रामसुब्रत राय, सुनवाते हैं आपको। भगवान श्री राम, भगवान भोले शंकर, भगवान जिस धर्म के लोग मानते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना केंद्र, और मानना ना मानना मेरे ऊपर है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सबका विचार, सबका सोच अलग अलग। हमारी पार्टी और हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, बिहार के लोग, देश के लोग श्री राम को आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, ये मेरा कहना और मानना। मांझी जी ने क्या कहा और क्या उनकी सोच है? हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। लेकिन आप जब भगवान मान रहे हैं सर, आप भगवान मान रहे हैं तो आपके अब हम पार्टनर हैं, इसका ये मतलब नहीं होता। आप मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है, टू दी पॉइंट बात कीजिए। पार्टनर का मतलब नहीं होता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो क्या बोलेंगे, उसका जवाब मैं देना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। लेकिन आपके भगवान पर तो सवाल खड़ा होगा। मैं तो बोला ना, मेरी पार्टी और मैं और मेरा परिवार, मेरे समाज, ये 12 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इसमें सभी धर्म के लोग, 135 करोड़ में सभी धर्म के लोग हैं, तो सबका सोच अलग है, नजरिया अलग है, तरीका अलग है, जिनको जो मन में आए बोले, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि रामायण में अशुद्धियां हैं, इस कारण से इसको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर रामायण में अशुद्धियां हैं तो शुद्ध होकर आएगा तो पढ़ेंगे अपना, बाकी कुछ नहीं। पाठ्यक्रम में लाना चाहिए सर राम, निश्चित रूप से सरकार तय करेगी, वो काम होगा। आपका क्या विचार है? क्योंकि मेरा विचार आप लोग मत पूछिए, सरकार की बात पूछिए, सरकार का फॉलो होगा, मैं फॉलो करूंगा। आप चाहेंगे कि सिलेबस में शामिल? मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जिनको जिनको आस्था, जरूर श्री राम का पूजा करें। सर, किसान जवान सम्मेलन समारोह का आज शुभारंभ किया गया, किसानों को जागरूक करने के लिए। यादव ने जो है कहा है कि वो दोनों सीटें महागठबंधन ही जीतेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है चलाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए भाई, मेरा मीडिया के साथी है, कोई दल, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जमानत भी जब्त होता है पहले कहता हो कि हम हार गए चाहे हार जाएंगे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग कहता है कि जीतेंगे, जनता मालिक ना है जी, कोई नेता कोई दल मालिक नहीं, जनता मालिक, जनता मालिक जिसको जिता के भेज देगा वही सिकंदर। सर, डिप्टी सीएम तारकिशोर के परिवार पर जो आरोप सामने आया है कि उन्होंने जल नल योजना में जो अपने परिवार के लोगों को फायदा दिया, सर इस पर? नहीं, मुझे कोई संज्ञान में बात नहीं है, और तारकिशोर बाबू का नल जल योजना तो है भी नहीं, विभाग भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उनके क्षेत्र कटिहार का ये मामला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे विभाग के बारे में कुछ पूछना तो पूछिए ना। चलिए, धन्यवाद।